इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रात में भगवान जहां विश्राम लिए मां के संग में, भरत जी ने उस स्थल की परिक्रमा की है। मां के श्रृंगार के कनक बिंदु गिरे देखकर, उनकी मलिनता का स्मरण करके भरत जी कहते हैं, जैसे अयोध्या भगवान श्री सीताराम जी के बिना मलिन हो गई है, वैसे मां के अलंकरण उनके बिना मलिन हो गए। भाव यह प्रेम, यह स्नेह, यह श्रद्धा, मेरे कारण सारा उत्पाद श्री हो। निषाद जी भरत जी को संभाले और समझाए, महाराज भैया आप इतनी चिंता क्यों करते? थोड़ी भी चिंता करिए नहीं, भगवान जिस रात्रि श्रृंगवेदपुर में विश्राम किए, रात्रि भर प्रभु केवल आप की ही स्मृति में रहे, हर पल उनको आपका ही स्मरण आता रहा, ये तो अवध में उत्पात भगवान ब्रह्मा की रचना का परिणाम है। निषाद जी जो समझ पाए प्रभु को देखकर और भरत जी की विह्वलता से कयास लगाकर, क्या बोले? बाबा कहते हैं, विधवान को ब्रह्म में डालकर और भगवान के वन के लिए वचन मांग रहा है। आप चिंता करिए नहीं, परिणाम श्रेष्ठ होगा, देव कार्य संपन्न करके प्रभु शीघ्र आएंगे और आप पर तो भगवान का कितना स्नेह है। रात्रि बीती, प्रातः काल एक दंड में सब लोग पार भय, गंगा जी पार हो पहुंचे। श्रृंगवेदपुर से तीर्थराज प्रयाग की ओर पहुंच रहे, यहां तक तो रथ से भरत जी आए थे, अब जैसे प्रभु यहां से गए थे वैसे भरत जी प्रातः विधि सब लोग निवृत्त हुए। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में माताओं का डोला चला। सेवक कहते हैं भरत जी से, भैया अश्व पर आरूढ़ होइए। भरत जी कहते नहीं, प्रभु यहां तक रथ से आए थे तो ये मर्यादा है कि हम रथ पर चलें, परंतु यहां से भगवान राम पया देही पाय सिधाये हम कहां।
बाज बना सिर भर जाऊं उचित बस सब ते सेवक को सुख सुलभ नहीं होता। भिखारी को मान प्राप्त नहीं होता। भरत जी अपने को सेवक मानते किसके? राम जी के। सेवक और सेव्य का भाव जीवन में आ जाए, भक्ति अपने आप अवतरित होने लगे। भरत जी कहते राम जी तो पैया गए, हमको सिर के बल चल के जाना चाहिए क्योंकि मेरे कारण प्रभु पैदल पैदल गए। भरत जी की चित्त की गति देखकर सुनकर सेवकों को ग्लानि हो। आपने सुना होगा परम श्रद्धे श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री दूध प्राण नहीं करते। क्यों? प्रजा को दुग्ध नहीं, अन्न सुलभ नहीं, हम दूध पान करें? देश की जन जन को जब तक दुग्ध का उपलब्धता न हो तब तक हम दुग्ध पान कैसे कर सकते हैं? सुना है? ये ममता हुआ करती थी प्रजा से राजनीतिक जीवन की। और हम आप यही सहजावस्था रखेंगे ना तो लोग हमें भी ममता रखेंगे। सहजावस्था भगवान से मिलने की विवलता में शरीर की गति रुक गई। प्रथम पहर से निकले प्रातः समय से और तीसरे पहर तिजहरिया प्रयाग प्रवेश हुआ। सीताराम सीताराम जी की जय, राम से उच्चारण होने लगा। भरत जी के पांव में छाले आ गए। पायन कैसे चल चल पायन कैसे पंकज कोश ओषकन जैसे पंकज भरत पया भय दुखी सुनी सकल खबरी ली सब सीता
बार राम यात्रा भरत जी की भई, जब वो पैदल पैदल चले। राजपुत्र भरत जी, रामानुज भरत जी, देखो केवट भैया के प्रेम में एक पंक्ति आई थी, आपको मैंने स्मरण कराया था थोड़ा सा। भगवान केवट जी को देना चाहते हैं तो केवट जी कह रहे हैं, प्रभु मिटे दोष दुख दारिद दावा। पहले केवट जी ने क्या कहा, पात भर सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जात कछु भेद ना पढ़ाई हो, सब परिवारो सब परिवार मेरो यही लागी, राजा जो हो दीन वित्तहीन कैसो दूसरी। अर्थ का न होना दरिद्रता नहीं है। फिर अर्थ हो संपदा हो, होने के बाद भी न होने का जो एहसास है इसका नाम है दरिद्रता। ये नहीं है, अरे हमारे यहां क्या है, कुछ ये नहीं है। इस पर एक बड़ी मधुर कथा है, कभी कभी स्मरण में आती है। एक भिखारी प्रातः काल 10 बजे भिक्षा कर रहा था। जो मांगने आया है ना, जो भी मांगने आया है, आपसे हमसे किसी से भी, क्यों आया है, वो ये कह रहा है कि आपके पास भगवान ने दिया है तो उसमें से थोड़ा मुझे भी दो। भिखारी का कभी निरादर न करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।